अब्धेदार ये दृश्यम टू मूवी को लेकर के जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय खन्ना, ईशिता दत्ता, तब्बू, श्रिया शरण और रजत कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। फिल्म मोहनलाल की दृश्यम टू की रीमेक है। इसकी रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कोरियन बैंड BTS को लेकर के, जो कोरिया की मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं। दरअसल साउथ कोरिया का नियम है कि कोरिया का हर पुरुष 18 से 28 साल की उम्र में 1.5 से 2 साल तक मिलिट्री सर्विस देना होगा। इसलिए BTS मेंबर को मिलिट्री सर्विस देनी होगी। हालांकि कब और किस दिन जाएंगे ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है समांथा की अपकमिंग फिल्म यशोदा को लेकर के, जिसका रिलीज डेट कन्फर्म हो गया है। फिल्म 11 नवंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज होगा। फिल्म में समांथा के साथ उन्नी मुकुंडम और मुरली शर्मा मुख्य भूमिका में होंगे। नेक्स्ट अवेदार ये सक्सेशन सीरीज को लेकर के, जिसका सीजन 4 का प्रोमो आउट हो गया है। इस सीरीज से रिलेटेड कोई अपडेट आ रही है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अवेदार ये भेड़िया मूवी को लेकर के, जिसका ट्रेलर 19 अक्टूबर को आउट होगा। फिल्म में वरुण धवन के साथ कृति सेनन और दीपक डोबरियाल मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। वहीं इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अवेदार ये स्पोर्ट्स से, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम ने पैट कमिंस को न्यू ODI कैप्टन बनाया है। नेक्स्ट अवेदार ये जहां कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप मैच था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए, जिसमें से KL राहुल ने 33 गेंद में 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्का शामिल था। वहीं रोहित शर्मा 15, विराट कोहली 19, सूर्य कुमार यादव ने भी 33 गेंद में 50 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं हार्दिक पांड्या 2, दिनेश कार्तिक 20, अक्षर पटेल 6 और अश्विन 6 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो स्टार्क को 1, केन रिचर्डसन को 4, मैक्सवेल को 1 और एस्टन एगोर को 1 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 180 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड की बात करें तो मिचेल मार्श ने 18 गेंद में 15 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्का शामिल था। तो वहीं फिंच ने 54 गेंद में 76 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्का शामिल था। तो वहीं स्मिथ 11, मैक्सवेल 23, एस्टोनी 7, टीम डेविड 5, जो इंग्रेस 1, कमिंस 7, एस्टन एगर 0, स्टार्क 0 और केन रिचर्डसन 0 रन बनाए। वहीं इंडिया के बॉलिंग की बात करें तो आखिर ओवर में 11 रन की जरूरत थी, जहाँ कैप्टन रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को गेंद थमाया और मोहम्मद शमी ने उस ओवर में 4 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें 1 रनआउट भी शामिल था। तो वहीं ओवरऑल भारतीय बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को 2, हर्षदीप सिंह को 1, हर्षल पटेल को 1, युजवेंद्र चहल को 1 और मोहम्मद शमी को 3 विकेट मिला। वहीं कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भी वार्म अप मैच था, जहां साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 17.1 ओवर में 98 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा मार्टिन कप्टिल ने 23 गेंद में 26 रन बनाए, तो इंग्लैंड फिलिप्स ने 18 गेंद में 20 रन बनाए। उसके बाद न्यूजीलैंड का कोई भी प्लेयर क्रिकेट नहीं खेल सका। वहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो पार्नेल को 2, मार्को जेंसन को 1, शमसी को 2, महाराजा को 3, मार्करम को 1 और रबादा को 1 विकेट मिला। वहीं लास्ट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 11.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका के स्कोर कार्ड की बात करें तो रिया हरिंग ने 24 गेंद में 27 रन बनाए, जिसमें 4 चौका और 1 छक्का शामिल था। तो राइडर रूसी ने 32 गेंद में 54 रन बनाए, जिसमें 9 चौका और 1 छक्का शामिल था। तो एडम मार्करम ने 12 गेंद में 16 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था। वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो सिर्फ सोधी को 1 विकेट मिला। वहीं कल दोपहर 1:30 बजे से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भी वार्म अप मैच था, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 19 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। दरअसल बारिश के कारण मैच 19-19 ओवर का हो गया था। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की बात करें तो शान मसूद 22 गेंद में 39 रन बनाए, जिसमें 7 चौका शामिल था। तो हैदर अली 18, सदाब खान 14, इफ्तिकार अहमद 22, खुशदिल शाह 0, आसिफ अली 14, मोहम्मद नवाज 10, मोहम्मद वासिम जूनियर 26, नसीम शाह 2 और हरीश राफ ने 1 रन बनाया। वहीं इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो स्टोक को 1, सैम करन को 1, क्रिस जॉर्डन को 1, लिविंगस्टन को 1 और डेविड बिली को 2 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 14.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना दिया। इंग्लैंड के स्कोर कार्ड की बात करें तो साल्ट को 1, हेल्स को 9, स्टोक को 36, लिविंगस्टन को 28 और हैरी ब्रुक ने 24 गेंद में 45 रन बनाए, जिसमें 2 चौका और 4 छक्का शामिल था। तो वहीं सैम करन ने 14 गेंद में 33 रन बनाए, जिसमें 2 चौका और 3 छक्का शामिल था। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो शाहीन अफरीदी 2 ओवर डाले थे, जो चोट के बाद वापसी कर रहे थे, जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन दिए। वहीं नसीम शाह 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद वासिम जूनियर 2 और सदाब खान ने 1 विकेट लिया। नेक्स्ट अवेदार ये जहाँ वर्ल्ड कप क्वालीफायर में कल 2 मुकाबले थे, जहाँ पहले में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को उलटफेर करते हुए 42 रन से हारा।
तो वहीं दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को 31 रन से हराया। वहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले की बात करें तो आज नामीबिया और नीदरलैंड के बीच 9:30 बजे से मैच होगा। वहीं दूसरा मैच श्रीलंका और यूएई के बीच 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।